नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर मधुबनी से है, जहां खुटौना में लगभग फ्लॉप हो चुकी नल जल योजना को चालू रखने के लिए इसे पीएचईडी को सौंपा गया। बता दें कि किंतु इसकी फितरत में कोई तब्दीली नहीं आई। 14 वार्डों की एक हत्था पंचायत के लोगों को ये स्थिति बर्दाश्त नहीं हुई। इस भयंकर गर्मी में पीने के लिए पानी का सवाल है। अपने स्तर से कोशिशों के बावजूद जब पंचायत के वार्डों में लगे नलों से पानी नहीं टपका, तो इसके विरोध में शुक्रवार को पंचायत वासियों ने गाँव के बीच से होकर मुख्य सड़क को जामा मस्जिद के सामने जाम कर दिया और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर नलों से जल के प्रवाह को आरम्भ किए जाने की मांग की। ये प्रतीकात्मक जाम करीब 2 घंटे तक जारी रही, जिसका मकसद वहां के लोगों के अनुसार प्रशासन को जल आपूर्ति से संबंधित अपनी समस्या से अवगत कराना एवं समाधान ढूंढना था। पंचायत के मुखिया ने कहा कि संबंधित अधिकारियों से बात हुई है, जल्द ही समस्या का समाधान का भरोसा दिया है। क्यों आप लोग रोड जाम किए हुए? हम लोग रोड जाम किए हुए हैं क्योंकि वार्ड नंबर 9 में नल जल का जो पानी है वो आ ही नहीं रहा है। अपने मर्जी से कभी होता है, 5 साल में 2 दिन या 3 दिन दिया है, और जब किसी को कंप्लेन करते हैं तो कहता है हमारे पास नहीं है, उनके पास जाओ। मुखिया को कहते हैं तो बोलता है जेई नहीं देता है, जेई के पास कहते हैं तो कहता है स्कूटी वाला नहीं देता है, तो उसका संविधान कौन करेगा। इसीलिए हम लोग आप लोगों को बुलाए हैं और ये सड़क जाम किए। मुखिया का कहना है कि ये पीएचडी विभाग में चला गया, हमारे हैंड में नहीं है। तो पीएचडी विभाग है ना, वो हम लोगों को नहीं ना मालूम है। हम लोगों ने मुखिया को या वार्ड मेंबर को चुने हैं, तो वो लोग ना समझेगा कि कौन से विभाग में है। हम लोगों को तो मालूम है कि समस्या होगा जल नल का, तो वार्ड मेंबर को पकड़ेंगे, वार्ड मेंबर मुखिया को कहे। लेकिन अभी ये लोग अपना पलड़ा झाड़ के 12 नंबर और 9 नंबर का बहुत ही ज्यादा समस्या है, मेंबर कोई सुनने का नामे नहीं लेता है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम शफीक अंसारी है, वार्ड नंबर 9 का वार्ड मेंबर है। एक्चुअली मैं इसका कंप्लेन काफ़ी दिनों से चल रहा है। 2 महीना पहले बोरिंग चालू नहीं था 9 नंबर का, जब से हमको मिला है इसका सूचना उसके बाद हम चालू करवाए हैं। पीएचडी वाले ने आगे चालू किया मोटर को, मोटर चालू होने के बाद कुछ दिन रिपेयरिंग भी किया, 2-3 दिन रिपेयरिंग होने के बाद पानी चालू हुआ है। 2-3 जगह और रिपेयरिंग है, उसने मना कर दिया, कहा अभी ठीक है, हमारे पास कोई आदेश नहीं है, आप करवा सकते हैं तो करवाइए। मोटर छोटा मोटा जो रिपेयरिंग है, वो छोटा मोटा जो रिपेयरिंग है वो रिपेयरिंग आप करवा लीजिए। तो हमने करीब 10 से 12 हज़ार का रिपेयरिंग का काम करवाया है। उसके बाद हमने जेई साहब को बताया तो जेई साहब ने बोला जो ठीक है रहने दो, इससे ज़्यादा आपको काम नहीं करवाना है, हम मिस्त्री भेज रहे हैं। उसके बाद मिस्त्री भेजा गया, मिस्त्री 2-3 दिन काम किया, उसके आगे एक जगह और लीकेज है, लीकेज के कारण रोड पर पानी भर जा रहा है। हमने कई बार जेई साहब को बोला भी, जेई साहब बोला ठीक है आज भेज रहे हैं कल भेज रहे हैं, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स ही नहीं ले रहा है। पब्लिक को हमने नंबर दिया, पब्लिक को बोला जो आप बात कीजिए, हम तो अपने स्तर पे बात कर ही रहे हैं, एडीओ से भी बात हुई है हमारे, एडीओ साहब कह रहे हैं ठीक है हम इस पर देख रहे हैं, जैसा भी होगा हम करवा देंगे, लेकिन एसटीओ साहब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। जेई साहब क्या कह रहे हैं, जो हमारे अंडर आया ही नहीं है 9 नंबर वार्ड का, और नहीं आया है कुछ, पब्लिक को ये कहा गया जो हमारे पास जेई से बात करने लगे। सब पब्लिक को तो इतना आइडिया नहीं है कि जेई कौन है, सुपरवाइजर कौन है, यही सब समझते कि हमारे वार्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो हम अपने वार्ड मेंबर को कहें। अब वार्ड मेंबर कहे कि अगर जेई से बात करो तो कैसे होगा, जेई को तो गांव के लेडीज लोग नहीं जानते, हम भी नहीं जानते कौन है जेई, हम तो अपने वार्ड मेंबर को चुन के दिए हैं, हमें तो इनसे काम कराना है, जेई को तो हमने, इनका काम है जेई से मिले और बीडीओ से मिले, सीओ से मिले, इनको हम लोग ने पावर दिए कि आप लड़ो, लेकिन ये अगर हमको कहेंगे कि आप जेई से जाके मिलो तो ये नहीं ना होगा। ठीक है, इसका कहना ठीक है, इसने कहा है, लेकिन वार्ड मेंबर कहाँ पीछे हटा है, वार्ड मेंबर तो आगे बात बढ़ा ही रहा है। आपको बीडीओ को भी बता दिया गया है, एसडीओ को भी बता दिया गया है, जेई साहब को भी बता दिया गया है, जब रिस्पॉन्स नहीं ले रहा वो आजकल कर रहा है, तो इसमें वार्ड मेंबर क्या करेगा, वार्ड मेंबर का तो हद यहीं तक है ना। ठीक है, कितने वार्ड में समस्या है? जी वार्ड नंबर 9 में अभी सबसे ज्यादा समस्या है। तो इसको लेकर के आप लोग रोड जाम किए हैं, तो पदाधिकारी से आपको मिलना चाहिए, रोड जाम करना तो कहीं से भी उचित नहीं लगता। हम लोग जानते नहीं है जो मतलब पदाधिकारी को, जो किससे मिलेंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे।
चार साल से मतलब गांव के लिए पूरी पब्लिक अभी आप एक भी है नहीं पानी आ रहा है। आगे आइए आप आपको समस्या दिखाते हैं कितनी ज्यादा है। वो तो सिर्फ मतलब घर में पानी नहीं, सिर्फ बेसिक चीज है वो, देखिए रोड पे कैसे पानी रोड दहा गया। अगर ये चीज समस्या सॉल्व हो जाएगा जब भी तो घर में पानी जाएगा, घर में पानी एक बूंद नहीं जाता और रोड पे पानी धड़ाम से निकल रहा है एकदम से, तो ये कौन समस्या का समाधान करेगा? जाम रखे। आज जुमा है लेकिन कोई भी नहीं नहाया है, पानी नहीं, पानी के बगैर हम। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।